नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है ही, उसके साथ संवेदनशील भी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके अग्निवीर स्कीम के तहत इंडियन आर्मी आर्मी में काम करने वाले एक जवान जो कि यहाँ पर अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके बारे में हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आखिरकार इस अग्निवीर में अमृतपाल सिंह नाम के जो सैनिक थे उनके बारे में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आखिर ऐसे क्या कारण है जिसको लेकर इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है उठाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ सारा मामला, जिससे कि आपको क्लियर हो कि अग्निवीर के तहत काम करने वाले, यानी कि सेना में काम करने वाले, जैसा कि आपको ये फोटो में दिख रहे हैं अमृतपाल सिंह, इनके बारे में हम आज पूरा जानेंगे। जैसे आपको ये फोटो में दिख रहे हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो सैनिक थे, ये आपके अग्निवीर स्कीम के तहत थे और अब ये इस दुनिया में नहीं है। और आपको यकीन नहीं होगा, इनकी जो डेथ रीज़न है उसके रिलेटेड भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, वो भी इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण अब ये नहीं है इस दुनिया में। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं, जो कि पूरे देश भर में सुनने को मिल रहे हैं भारत में, जिसको लेकर मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आप इस पूरे वीडियो में समझ पाएंगे इस पूरे मामले को कि आखिरकार ये अमृतपाल सिंह की, जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके क्या-क्या कारण हैं, तो वो सब हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, द क्विंट न्यूज़ के रिपोर्ट के हिसाब से मैं आपको सारा कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए, क्या अग्निवीर को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर होता है जैसे कि अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसको एक रिस्पेक्टफुल एक ऑनर दिया जाता है, एक ऑनर से उसको विदा किया जाता है। पंजाब में भारी विवाद के बाद सेना ने दी सफाई। तो सेना ने अब सेना के अब जो ऊपर सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं इंडियन आर्मी के, उनकी तरफ से बताया गया है कि उनको गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया जा रहा। गार्ड ऑफ ऑनर होता है जैसे कोई सैनिक अपने कार्यकाल में काम करते समय अगर वो शहीद हो जाता है या वो नहीं बच पाता है, तो ऐसे में उसको एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, यानी कि उसको एक अंतिम विदाई जो दी जाती है वो एक तरीके से दी जाती है, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से दी जाती है, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे सैनिकों को दी गई आज तक। तो उसी से रिलेटेड मैं इस पूरे वीडियो में डिस्कस करूँगा, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सभी के लिए, जिसको डिस्कस करना जरूरी है। इंडियन आर्मी ने भी जवाब देते हुए हुए कहा है कि मौजूदा नीति के मुताबिक ही कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया है। मतलब आपको बता दूं, इनको इन्होंने ये कह दिया इंडियन आर्मी ने कि अभी जो आपके रूल्स हैं इंडियन आर्मी के, उसके तहत इनको अभी कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। अब मैं आपको बता दूं, इनका अंतिम संस्कार हो चुका है, मतलब अब ये नहीं है। इसके बारे में पूरा आपको बताने वाला हूं। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है अमृतपाल सिंह और ये जो है सेना में काम कर रहे थे, अग्निवीर के तहत काम कर रहे थे, और उस काम करते में ही अब इनकी जो है डेथ हो गई। तो उसी को जानेंगे। जैसे कि पंजाब में भारतीय सेना इंडियन आर्मी के एक अग्निवीर जवान की मौत के बाद आर्मी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर ना देने पर सियासत तेज हो गई है, यानी कि सियासत होता है कि कुल मिलाकर एक चर्चा का विषय बन चुका है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है इस टॉपिक पर कि गार्ड ऑफ ऑनर इनको क्यों नहीं दिया गया, इस जवान को क्यों नहीं दिया गया जो अग्निवीर के तहत काम कर रहे थे आर्मी के अंदर। सेना ने भी गार्ड ऑफ ऑनर ना देने की वजह बताई है अमृतपाल सिंह की
11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के रजौरी में मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं, 11 अक्टूबर के दिन 2023 के 11 अक्टूबर में अमृतपाल सिंह जम्मू कश्मीर के रजौरी में तैनात थे और तब इनकी मौत हो गई थी। भारतीय सेना ने पूरे विवाद पर जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा नीति के मुताबिक ही कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया है। क्या है यह पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से यहाँ पर आगे बताऊँगा जैसा यहाँ पर लिखा गया है। क्या है मामला, अगर हम बात करें तो मामला यह है, जैसा आप देख रहे हैं, पूंछ सेक्टर में जम्मू कश्मीर राइफल्स की एक बटालियन में अग्निवीर भर्ती के तहत कार्यरत अमृतपाल सिंह का 13 अक्टूबर को पंजाब के मानसा जिले में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया है। और इस अंतिम संस्कार के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, ये शहीद हो गए या फिर आप यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि अब ये नहीं है इस दुनिया में, इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मौत हो गई, तो इनको शहीद नहीं बताया जा रहा है, इनकी मौत तो हो गई। ये अभी यहाँ पर राजौरी में, यानी कि आपके जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे, अपनी जो है जॉब कर रहे थे, और ये एक बटालियन में अग्निवीर भर्ती के तहत कार्यरत हुए थे ये। और 13 अक्टूबर को इनका जो है पंजाब के अंदर मानसा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पर इनके परिवार, उनके पैतृक गाँव में अंतिम संस्कार किया गया और इसमें इनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। यानी कि अंतिम संस्कार के समय एक गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है, यानी कि एक अंतिम विदाई जो होती है एक सैनिक की, तो वो नहीं दी गई है, और एक जवान की, तो वो नहीं दी गई। तो क्यों नहीं दी गई, वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, अमृतपाल सिंह की मौत के बारे में बताते हुए सेना ने 14 अक्टूबर को एक बयान में कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद के बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई थी। मतलब उनकी खुद से ही उन्होंने उनके खुद से उनको बंदूक की गोली लग गई और इससे उनकी मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है आपके आर्मी के तरफ से, सेना की तरफ से। और मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, यानी कि अभी कोर्ट भी यहाँ पर इंक्वायरी कर रहा है कि एक्चुअल में क्या मामला है, क्या सच में ऐसा हुआ कि उनको खुद ही की वजह से गोली लग गई और उनकी मृत्यु हो गई, या फिर कोई और कारण है। गार्ड ऑफ ऑनर्स नहीं मिलने पर भड़की आप, अगर मैं बताऊं यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इस तरीके से और भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी है, और इस तरीके से और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पूरे भारत में, उनमें से एक है आम आदमी पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर मैं बताऊं इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, तो इनके, जैसे कि आपके दिल्ली और पंजाब में अगर बात करें, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी के ही हैं। अब वहीं इस मामले में पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने एतराज़ जताया है। अब देखिए, यहाँ पे पंजाब में जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनमें से बहुत से पार्टियों ने जो है यहाँ पर एतराज़ जताया है कि रविवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, आज वही हुआ जिसका हमें डर था। शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी का पार्थिव शरीर एक प्राइवेट एम्बुलेंस में पंजाब में उनके गांव लाया गया। अब देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि उनको एक तरीके से नहीं लेकर आया गया, मतलब उनको जो है एक प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर आया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उनकी अंतिम विदाई के वक्त उन्हें कोई सैन्य सम्मान भी नहीं दिया गया। सैन्य सम्मान होता है, मतलब कि जो सैनिक होता है उसको एक सम्मान देकर विदाई करी जाती है, अगर वो शहीद होता है या वो मृत्यु हो जाती है उसकी ड्यूटी पर, तब उसको ये सब दिया जाता है, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर बात करें यहाँ पर, एक ट्वीट दिखाऊंगा मैं, आम आदमी पार्टी के पंजाब के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का एक ट्वीट है जिसमें लिखा है, हमने अग्निवीर योजना का विरोध किया था मगर केंद्र सरकार के कानों पर कोई जूं नहीं गेरी, जू नहीं रेंगी, आज वही हुआ जिसका हमें डर था। शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी का पार्थिव शरीर एक प्राइवेट एम्बुलेंस में पंजाब में उनके गांव लाया गया। अगर बात करें यहाँ पे, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उनकी अंतिम विदाई के वक्त उन्हें और इसके आगे यहाँ पर और अधिक दिखाएं, मतलब वही बेत सेम बात है जो मैंने आपको बताई है अभी, कि और अंतिम विदाई के वक्त भी उनको कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया गया। तो ये राघव चड्ढा कह रहे हैं, जो कि आपके राज्यसभा सांसद हैं, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा, जिन्होंने बताया है ये आम आदमी पार्टी से हैं, और इन्होंने जो बोला है मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप सुन सकते हैं, सुनिए।
आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे। लेकिन उस समय भाजपा सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी, लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंखा थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसे जिले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और दो जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाए। एक दिल दहला देने वाला वीडियो, उनके पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां जो हालात थे वो जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि क्यों एक अग्निवीर जिन्हें सेना में भर्ती किया गया, जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए, राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे जब उनकी मृत्यु हुई, तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला और क्यों उनकी शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया, ना ही उन्हें तिरंगे झंडे में लपेटकर उनके परिवार वालों को सौंपा गया और ना ही कोई सैन्य सम्मान अंतिम श्रद्धांजलि सेना द्वारा उन्हें प्रदान करी गई। क्या ये है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? तो दोस्तों, अभी आपने सुना था राघव चड्ढा को, जो कि राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के। तो उन्होंने यह जो आपको मैंने सब बताया वही उन्होंने कहा है, सेम जो आप अगर देखेंगे ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो भी यही कह रहे हैं कि उनको कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया गया है। मतलब कि अगर आप देखेंगे कोई सैनिक शहीद होता है तो उसको जो सम्मान देते हैं वैसा सम्मान नहीं दिया, जिसको हम गार्ड ऑफ ऑनर कहते हैं वो नहीं दिया गया है उनको। एक सिंपल मान लीजिए आपकी कोई ड्यूटी करते समय किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, इस तरीके से उनको जो है एक विदाई मिली है, उनको इस तरीके से जो है विदा करा गया है। तो ये एक मेरे को लगता है कि काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा, अब देखिए, या अब एक कोई आम इंसान की डेथ की बात नहीं है यहाँ पर। आप ये भी समझिए, कोई जम्मू कश्मीर में राजौरी के अंदर यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस समय पर उसके साथ ऐसा हो जा रहा है। अब यहाँ पर सेना तो ये और कह रही है कि उनकी खुद से ही उनको गोली लग गई और इस वजह से उनकी खुद की गलती से उनको गोली लग गई और वो इस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा सेना की तरफ से कहा जा रहा है। तो अभी इसमें क्लियर आगे मैं आपको और बताता हूँ और क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं। जैसा आपने अभी सुना राघव चड्ढा को सुना था आपने, थोड़ा और आगे चलते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं भगवंत मान ने भी कहा कि उनकी सरकार इस मामले को लेकर केंद्र के समक्ष कड़ी आपत्ति जताएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्ट पर एक पोस्ट में कहा कि अमृतपाल सिंह की शहादत के संबंध में सेना की जो भी नीति हो, लेकिन उनकी सरकार की नीति शहीद के लिए वही रहेगी और सैनिक के परिवार और को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह देश के शहीद हैं। मतलब वो ये नहीं कहते कि एक ड्यूटी पे काम करते हुए एक सैनिक जो है वो, या फिर एक अग्निवीर जो है उस वो मारा, उसकी डेथ हो गई, ऐसा वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये जो है एक देश का जो है, एक सेना का जो एक ऐसा जवान था जो शहीद हुआ है,
उनका उनका मानना ये है, और वो ये भी कहते हैं कि सरकार जो है लेकर इस नीति के तहत, अब वो ये भी कहते हैं अग्निवीर नीति जो भी कहती हो, उसके रूल्स रेगुलेशन जो भी कहते हो, हम तो भाई अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, अपने नीति के हिसाब से जो है सैनिक के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वो देंगे, उन्होंने ऐसा बताया है। दूसरा अगर बात करें, विपक्षी पार्टियों ने भी साधा है निशाना इसके ऊपर, जो कि आप यानी आपके डायरेक्ट जो कि आपके गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी अभी है उसके ऊपर डायरेक्ट इन्होंने जो है निशाना साधा है, जिन्होंने कहा है कि शिरोमणि अकाली दल की नेता, अगर बात करें शिरोमणि अकाली दल जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, कि नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि वह यह जानकर स्तब्ध है कि अमृतपाल सिंह का अंतिम संस्कार सेना के गार्ड ऑफ ऑनर के बिना किया गया। उन्होंने इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हस्तक्षेप की मांग करते हुए सभी शहीद सैनिकों को सैन्य सम्मान देने के लिए आवश्यक निर्देश देने की मांग की है। मतलब उन्होंने यह कहा है, उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह पूरे देश के, उनसे उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें हस्तक्षेप करें, मतलब उसमें उन्होंने कहा है उस इस चीज़ को देखें, और उन्होंने कहा है कि सभी जितने भी शहीद सैनिक होते हैं उनको सैन्य सम्मान दिया जाना चाहिए, उन्होंने उनके लिए ऐसा कहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उनका ट्वीट भी है, मैं दिखाता हूँ, उन्होंने लिखा है कि शॉक्ड टू लर्न द दैट अग्निवीर अमृतपाल सिंह हु वॉज मार्टियर्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इन पूंछ इन J&K वॉज क्रीमेटेड विदाउट एन आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर एंड इवन हिज बॉडी वॉज ब्राउट टू हिज नेटिव विलेज इन मानसा इन अ प्राइवेट एम्बुलेंस बाय हिज फैमिली। इट इज लर्न दैट दिस हैपन। और उसके बाद उन्होंने सेम वही बातें कही हैं, मतलब उन्होंने कुल मिला के यही कहा है कि उनकी जब उनका जब वो पार्थिव शरीर उनके गांव लेकर गए तो वो एक प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर गए, और प्राइवेट एम्बुलेंस से ही उनके परिवार को दी जो उनका पार्थिव शरीर था। मैं आपको इसके रिलेटेड भी यहाँ पर जो पार्थिव शरीर ले जाते हुए जो वीडियो है उसको दिखाना चाहूँगा, जो कि ट्विटर पर डाला गया था, जो कि यहाँ पर हर सिमरत कौर बादल की तरफ से डाला गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो क्या है, इसको देख सकते हैं आप और समझिए और सुनिए। तो आपने देखा ये वीडियो, इसमें आपने देख लिया होगा किस तरीके से उनकी विदाई हुई है, एक बिल्कुल एक आम तरीके से हुई है। 3 से 4 जो है यहाँ पर मैंने देखे, 3 से 4 जने जो 3 से 4 लोग ही यहाँ पर खड़े, और उन्होंने जो है फायरिंग करके जो एक सलामी दी, बस वही था, और इसमें कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं, बस यही था। अगर बात करूँ तो हर सिमरत कौर बादल ने, अगर आप देखेंगे एक्स पर, एक्स आप जानते हैं ट्विटर को बोलते हैं अब एक्स, तो एक्स पर पोस्ट किया, यह जानकर स्तब्ध हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूंछ में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अमृतपाल सिंह का सेना के गार्ड ऑफ ऑनर के बिना अंतिम संस्कार किया गया, और यहाँ तक कि उनके परिवार द्वारा एक निजी एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को मानसा में उनके उनके पैतृक गांव लाया गया। यह पता चला है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमृतपाल अग्निवीर था। मतलब आप देखिए यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि अमृतपाल सिंह एक अग्निवीर स्कीम के तहत रिक्रूटमेंट हुई थी, वो
स्कीम के तहत वो इस जॉब में गए थे, जो कि आपको पता होगा अग्निवीर का जो टाइम पीरियड होता है 4 या जो भी आपका 4-5 साल का जो भी रहता है वो आप रूल्स में देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, तो उस हिसाब से इनका रिक्रूटमेंट हुआ था। हमें अपने सभी सैनिकों को उचित सम्मान देना चाहिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सभी शहीद सैनिकों को सैन्य सम्मान देने के निर्देश जारी करने का अनुरोध करती हूँ, इन्होंने उन्होंने ये कहा। साथ में ये भी कहा, पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने यह कहा है कि यह हमारे देश के लिए एक दुखद दिन है, क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए इस सैनिक को एक निजी एम्बुलेंस के घर में घर वापस भेज दिया गया और इंडियन आर्मी द्वारा कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया गया। उन्होंने पूछा, क्या अग्निवीर होने का मतलब यह है कि उसका जीवन उतना मायने नहीं रखता? मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि क्या अगर कोई अग्निवीर शहीद होगा या वो मृत उसकी जो है मौत हो जाएगी ड्यूटी पर, तो उसको इसी तरीके से उसको जो है विदाई दी जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा है। आप अगर देखेंगे तो ये अमरिंदर सिंह राजा वारिंग है इनका नाम, और ये जो है आपके कांग्रेस प्रमुख है पंजाब में, और इन्होंने सेम वही जो बात बताई है वो यहाँ पर आप देख सकेंगे, वीडियो भी है इसका। तो आपने देख लिया होगा, ये है पूरा मामला। अब मैं इसको और आगे थोड़ा बताना चाहूंगा इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने एक्स पर लिखा है कि शोक संतप्त परिवार को स्थानीय पंजाब पुलिस से हमारे युवा लड़के को गार्ड ऑफ ऑनर देने का अनुरोध करना पड़ा। क्या इसीलिए बीजेपी ने यह नीति शुरू की? क्या हम अपने बाकी सैनिकों से अलग अपने अग्निवीरों के साथ इसी तरह व्यवहार करेंगे? क्या हमारे शहीद जवान के साथ इस अमानवीय व्यवहार पर केंद्र सरकार के पास कोई जवाब है? उन्होंने पूछा है। उसके बाद अगर बताऊँ तो भारतीय सेना ने क्या कहा है, आप देखेंगे। आप भारतीय सेना के भी ट्विटर हैंडल से एक चीज़ आई है, एक पोस्ट आई है, अगर देखेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि सेना ने शनिवार को एक बयान में कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अग्निवीर अमृतपाल सिंह की राजौरी सेक्टर में संतरी ड्यूटी के दौरान खुद की बंदूक से गोली लगने से मौत हो गई थी। अधिक विवरण सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है। उन्होंने सेम वही जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया, सेम वही पॉइंट है उनका। ट्वीट में भी आप इस चीज़ को देख पाएंगे। बयान में कहा गया है कि अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को एक जूनियर कमिश्नेंट अधिकारी और 4 अन्य रैंक के साथ अग्निवीर की इकाई द्वारा किराए पर ली गई एक सिविल एम्बुलेंस में ले जाया गया। बयान में आगे कहा गया कि उनके साथ आए सेना के जवान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा हुआ क्या। इसमें बोला गया कि बयान में ये कहा गया है कि अंतिम जो अमृतपाल सिंह के पार्थिव शरीर को जब लाया गया था, को एक जूनियर कमिश्नेंट अधिकारी लाए थे और साथ में उनके साथ 4 अलग रैंक के अधिकारी भी आए थे यहाँ पर, जो भी के साथ अग्निवीर की इकाई जो अग्निवीर के अंदर ही काम कर रहे थे वो आए थे। और आपको बताना चाहूँगा, और एक किराए पर लाई गई एक एम्बुलेंस थी, एक सिविल एम्बुलेंस में ले ले जाया गया था, ये उन्होंने बताया है। उनके मुताबिक ये एक सिविल एम्बुलेंस थी और ये जो है किराए पर लाई गई थी। और यहाँ पे बोला गया है, बयान में आगे ये भी कहा गया है कि उनके साथ जो भी आपके अन्य रैंक के अधिकारी आए थे उन्होंने भी यहाँ पर जो है वो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तो ये हुआ था पूरा मामला जो मैंने आपको बता दिया है। तो यही था अभी तक तो इस वाले जो अमृतपाल सिंह में, अगर जो आपको बताऊं इस टॉपिक में अभी यही आया है मेन। तो अभी आपको यही बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि आप एक अग्निवीर स्कीम में काम करते हैं तो आपके साथ उसी रूल्स रेगुलेशन में काम होता है। आप देख सकते हैं, आप मतलब कहने के लिए एक सैनिक हैं
कहने के लिए एक जवान है, कहने के लिए आर्मी में है, लेकिन क्योंकि आप अगर एक अग्निवीर स्कीम में हैं तो आपको अग्निवीर स्कीम के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ही आप पे वो लागू होंगे। मतलब आपकी जैसे जैसे आपकी मौत हो जाती है काम करते में, जॉब करते में ये वाली, तो इसमें आपको उसी तरीके से ट्रीट करा जाएगा जैसे एक अग्निवीर को ट्रीट करना चाहिए। वो एक सामान्य, एक सामान्य जो आपका जॉब पर एक जवान होता है, एक सैनिक होता है, जिसको एक्चुअल में आप देखते होंगे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, वैसा नहीं दिया जाएगा। मतलब आप यहाँ पर भी भेदभाव करेंगे, तो ये आप समझ सकते हैं। ये इस चीज़ से यहाँ पर हमें पता लगता है, इस पूरे आर्टिकल में हमें ये देखने को मिला है। अब आप बता सकते हैं कमेंट में आपको ये पूरा टॉपिक कैसा लगा है, और इसमें आपको क्या-क्या आपके फीडबैक रहेंगे इस चीज़ से रिलेटेड, वो आप बताएं। तो ये था आपका अग्निवीर का अमृतपाल सिंह के मौत के पीछे के राज, और जो कि अभी भी इंक्वायरी चल रही है, तो अभी भी कुछ फाइनल नहीं है, तो वो आपको आगे पता चलेगा कि आगे इसमें क्या होता है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।